हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पार्ले जी बिस्किट से केक, जो कि बहुत टेस्टी और स्पंजी बनता है। देखिए ये कितना स्पंजी और अच्छा बना है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। केक को बनाने के लिए हमने 5 रुपये वाला 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। 2 पैकेट बिस्किट मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। 4 पैकेट बिस्किट हम एक साथ नहीं पीस सकते, इसलिए हमने 2 बार करके पीसा है। बाकी 2 पैकेट बिस्किट में 4 चम्मच चीनी डाल के पीस लेंगे। बिस्किट को हमने एकदम बारीकी से पीस लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ऐसा पेस्ट रहना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। अब इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और सबको मिला के 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये केक का बर्तन लिया है हमने, इसमें घी लगा के ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, ताकि केक आसानी से निकल जाए और चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हो। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। अब बैटर को केक टिन में डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसको हल्का सा टैप कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई बबल्स हो वो निकल जाएगा। अब इसमें काजू बादाम डालेंगे। अगर आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट हो या टूटी फूटी हो, वो सब भी डाल सकते हो आप, जिससे केक अच्छा दिखता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। ओवन को 5 मिनट प्री हीट करने के बाद उसमें केक का बैटर डाल देंगे। और इसको 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करेंगे। देखिए हमारा केक फूल रहा है। केक बन गया है, अब इसको बाहर निकाल लेंगे और टूथपिक से चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, केक बन गया एकदम अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और प्लेट में पलट लेंगे। देखिए हमारा केक कितना अच्छा निकल गया और कितना अच्छा बना है। केक हमारा कितना अच्छा और स्पंजी बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।